साल 2023 का आखिरी महीना भी खत्म होते होते अपने साथ ढेर सारी गलत सूचनाएं सांप्रदायिक दावे दे गया। सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में होने वाली तरह तरह की घटनाओं के संदर्भ में पोस्ट शेयर किए गए। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो या फिर भारत के 5 राज्यों में हुए चुनाव, ऐसी हेडलाइन बनाने वाली घटनाओं के बारे में ज्यादातर सोशल मीडिया पर भ्रामक या फिर फर्जी दावे शेयर किए गए। आज के इस वीडियो में दिसंबर महीने में पब्लिश की गई ऑल्ट न्यूज के ऐसे ही कुछ फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। इसराइल हमास युद्ध पर रिपोर्ट करते हुए द जेरूसलम पोस्ट ने ये खबर दी थी कि अल जजीरा द्वारा दिखाया गया ये मृत फिलिस्तीनी बच्चा असल में एक गुड़िया यानी कि खिलौना है। स्वघोषित फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन इसराइल वॉर रूम ने भी यही दावा किया और देखते ही देखते कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया। इस दौरान कई भारतीय राइट विंग यूजर्स ने भी ये कथित तस्वीर शेयर की और दावा किया कि इस आदमी के हाथ में दिख रहा बच्चा असल में एक गुड़िया है। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल दावे के संबंध में जांच शुरू की। हमने मौका वारदात की कुछ तस्वीरें और वीडियोस देखे और पाया कि असल में ये बच्चा मोहम्मद हानी अलजहर है, जिसकी इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। फिलिस्तीनी पत्रकार अली जद्दल्ला ने घटना स्थल की ये कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की थी। वहीं गेटी इमेजेस पर भी इस बच्चे की कई तस्वीरें मौजूद है, यानी एक मृत फिलिस्तीनी बच्चे को इजराइल समर्थक और भारतीय राइट विंग यूजर्स ने एक डॉल बताया। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। इजराइल सरकार ने ये कथित तस्वीर ट्वीट करते हुए इस बच्चे को डॉल बताया था। जब ऑल्ट न्यूज ने विस्तृत रूप से इस दावे की जांच की तो पाया कि ये इजरायली हमले में मारा गया 4 वर्षीय उमर बिलाल अलबन्ना है। नवंबर 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बीच भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के फर्जी दावे चलाए गए थे। इनमें से एक है ये वीडियो। प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में नहीं आई भैया, प्रेम बुरी बीमारी जयारी समझ में नहीं आई। इसे शेयर कर दावा किया गया कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भाजपा महिला कार्यकर्ता शराब पीकर जश्न मना रही है। देखते ही देखते कई एक्स यूजर्स ने ये वीडियो शेयर किया। हमने जांच की और पाया कि ये वीडियो इंटरनेट पर 18 नवंबर 2023 को ट्वीट किया गया था, यानी ये क्लिप 3 दिसंबर को राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले की है। हालांकि इस वीडियो की जगह की पुष्टि हम नहीं कर पाए, लेकिन इसका हाल के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से कोई संबंध नहीं है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया गया और दावा किया गया कि कांग्रेस की जीत के बाद तेलंगाना में भारतीय झंडे पर अशोक चक्र हटा कर कलमा लिखा गया। हालांकि ये क्लिप देखने पर भी साफ समझ में आ जाता है कि ये पुराना वीडियो है। इसमें जी न्यूज का लोगो है और शो का नाम भी डीएनए है, जबकि पत्रकार सुधीर चौधरी ने जुलाई 2022 में इंडिया टुडे ग्रुप की आज तक चैनल ज्वाइन की थी और अब उनके शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है। जी न्यूज के शो डीएनए के वीडियोस चेक करने पर हमें वायरल वीडियो 10 जून 2022 के इस वीडियो रिपोर्ट में मिला। तेलंगाना के महबूब नगर में नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध प्रदर्शन में ये कथित झंडा लहराया गया था। इस मामले में पुलिस ने उस वक्त जांच करने की बात भी कही थी। ऐसे में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दावा किया गया था कि वसुंधरा राजे निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को उनकी संभावित जीत पर बधाई दे रही थी और भाजपा के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही थी। कई यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया और उन ट्वीट्स पर कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया कि ये वीडियो पुराना है। इस क्लू के चलते कीवर्ड सर्च करने पर हमें ये वीडियो 12 अगस्त 2021 को पोस्ट किया हुआ मिला। पोस्ट में लिखा है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में जीत हासिल करने के लिए फोन पर बधाई दी थी। ध्यान दें कि 7 अगस्त 2021 को जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीता था। वसुंधरा राजे ने भी ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, यानी 2023 के राजस्थान इलेक्शन से जोड़कर शेयर किया गया वीडियो असल में 2 साल पुराना है। ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश के देवरिया की घटना है। कैप्शन में लिखा है कि यूपी में महिलाओं की ऐसी हालत है। वहीं कुछ यूजर्स इसे शेयर कर रामराज्य पर सवाल उठा रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में छानबीन करते हुए हमें जुलाई 2022 का ये ट्वीट मिला। इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को टैग करते हुए बताया गया है कि आरोपी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है और उसके कई रिश्तेदार भी भाजपा के नेता है। कैप्शन में आगे देवरिया पुलिस और योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया गया है। ऐसा लगता है कि ये ट्वीट पीड़िता द्वारा किया गया था। साथ ही इसमें मदनपुर पुलिस को पीड़िता के पति द्वारा सौंपा गया एक लेटर भी था, जिसके मुताबिक ये घटना 19 जुलाई 2022 की रात में हुई थी। देवरिया के एसपी ने इस मामले के संदर्भ में ये बयान दिया था। ये देवरिया जनपद में मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता ने अपने ही परिवारजन, अपने सास ससुर ननद देवर और अन्य लोगों पर कतिपय गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में थाना मदनपुर पर पूर्व से ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त है, जो पीड़िता का देवर है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचना जारी है। जो भी तथ्य और साक्ष्य आते हैं उनके आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। विराट कोहली के परिवार की तस्वीर के साथ ये रेस्टोरेंट के बिल की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। तस्वीर में ये बिल गॉर्डन रामसे रेस्टोरेंट का है, जिसमें बीफ के डिश का जिक्र है। ये 2 तस्वीरें शेयर कर दावा चलाया गया कि विराट कोहली ने हिंदू होते हुए बीफ यानी गाय का मांस खाया। साथ ही यूजर्स विराट कोहली पर निशाना साध रहे हैं। ऑल न्यूज ने डिटेल में इस दावे के बारे में जांच पड़ताल की और पाया कि ये दोनों तस्वीरें अलग अलग घटनाओं की है और इनके बीच कोई संबंध नहीं है। बिल की तस्वीर 2020 की कई रिपोर्ट्स में है। इन आर्टिकल्स के मुताबिक जापानी व्यंजनों के रेस्टोरेंट ट्रिपल सीयर जापानी A5 यानी गॉर्डन रामसे स्टेक में एक कपल ने मेन्यू गलत तरीके से पढ़ा और उन्हें इसके लिए भारी रकम चुकानी पड़ी। जेफरी पेगे ने बीफ के एक औंस की कीमत मेन्यू में $35 देखी और इसे ऑर्डर किया, लेकिन उसमें मिनिमम ऑर्डर 4 औंस ही किया जा सकता था, जिस वजह से उन्हें $615 की रकम चुकाई थी। वहीं विराट कोहली की ये तस्वीर 20 अक्टूबर 2021 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। और तो और विराट ने कई मौकों पर कहा है कि उन्होंने हेल्थ कंडीशन के कारण मांसाहार खाना बंद कर दिया था। 13 दिसंबर को संसद में सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के 2 व्यक्तियों ने सार्वजनिक गैलरी में घुसकर लोकसभा चैम्बर में कूद गए और कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी। ये संसद की सुरक्षा में बड़ा उल्लंघन था। इसके कुछ वक्त बाद ही ऐसी पीली गैस के साथ संसद के बाहर अमोल शिंदे और नीलम नामक एक महिला विरोध करते हुए दिखे। पुलिस ने ये योजना बनाने वाले 6 में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर यह दावा जोरों शोरों से किया जाने लगा कि आरोपी मनोरंजन डी कम्युनिस्ट SFI कार्यकर्ता जैसा दिखता है। इस दावे को सही ठहराने के लिए ये 2 तस्वीरें भी शेयर की गई। स्वघोषित फैक्ट चेक मीडिया आउटलेट ओनली फैक्ट के सह संस्थापक विजय पटेल ने ये तस्वीरें ट्वीट कर यही दावा किया और इस दावे को और भी कई लोगों ने आगे बढ़ाया। SFI कर्नाटक ने एक बयान जारी कर वायरल दावे को गलत बताया। उन्होंने वायरल दावों को झूठी सूचना बताते हुए लोकसभा में हुई घटना में SFI और उसके मैसूर जिला अध्यक्ष विजय कुमार के नाम को बिना मतलब के घसीटने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की आलोचना की। आगे ऑल्ट न्यूज ने SFI मैसूर पेज पर मौजूद विजय कुमार की तस्वीर ढूंढी, जिसे वायरल दावे के साथ क्रॉप कर शेयर किया गया। ये तस्वीर और मनोरंजन डी की तस्वीर कंपेयर करने पर साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने विजय कुमार से भी बात की। उन्होंने वायरल दावों को गलत बताया और 14 दिसंबर 2023 को खींची अपनी कुछ तस्वीरें भी हमें भेजी। अब गौर करें कि मनोरंजन डी को लोकसभा में हुई घटना के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
तो फिर 14 दिसंबर को विजय कुमार, जिन्हें कथित रूप से आरोपी बताया गया, तस्वीरें कैसे खिंचवा सकते हैं? ये अपने आप में इन दोनों व्यक्तियों के अलग होने का सबूत है। विजय कुमार ने अपनी तस्वीरें शेयर किए जाने पर और झूठे दावे सोशल मीडिया पर चलाने को लेकर शिकायत भी दर्ज की थी। वहीं इस बीच सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का ये कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। इसमें लिखा है कि अगर राम मंदिर बना तो वो आत्महत्या कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स ढूंढी, लेकिन इस ट्वीट की पुष्टि करने वाली कोई रिपोर्ट्स हमें नहीं मिली। ध्यान से इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट देखने पर साफ हो जाता है कि ये असल में एक फर्जी ट्वीट है। इसमें कपिल सिब्बल का जो एक्स हैंडल नेम दिख रहा है वो उनके ऑफिशियल हैंडल नेम से अलग है। वहीं डेट का फॉर्मेट और टेक्स्ट अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए भी इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया था।